श्री प्रियालाल की प्रेमय सेवा का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल श्री प्रियालाल जू सरकार को और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। श्री प्रियालाल सरकार के आप सभी प्यारे भक्तों के चरणों में मेरा सादर नमन। आशा करती हूँ कि श्री प्रियालाल की प्रेममयी कृपा से आप सभी बहुत ही आनंद में होंगे। और आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम ठाकुर जी की पत्र रचना वाला श्रृंगार कैसे करते हैं, मैं कैसे करती हूँ अपने ठाकुर जी का पत्र रचना या पत्रावली वाला श्रृंगार, और ठाकुर जी के जो पत्र रचना श्रृंगार के लिए हम जो डिज़ाइंस उनके फेस पर ड्रॉ करते हैं, तो उनके कई अधिक हरिभक्त इसे गोपी डॉट्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जो उनके सखी भाव में श्रृंगार करते हैं अपने चेहरे पर। तो मैंने जो ठाकुर जी का फुल फेस मेकअप वाला वीडियो डाला था, तो वहीं से मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी। भूमि शर्मा हमारी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं पत्र रचना वाला वीडियो ठाकुर जी का बना करके अपलोड करूं। तो मैंने कोशिश की है आप सभी के साथ में शेयर करने की, और वीडियो एक्चुअली में बहुत पहले मैंने शूट कर लिया था, लेकिन कुछ फैमिली फंक्शन में बिजी होने के कारण मैं वो उसे पहले अपलोड नहीं कर पाई, तो मैं अभी आपके साथ में उसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली है जो उन्हें लगने वाली है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बढ़ सकती है, क्योंकि ये मधुर बिहारी जी की इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि उन्हें क्या पहनना है, श्रृंगार में क्या धारण करना है। तो मैंने ये एक वाइट वाली पोशाक ठाकुर जी के लिए आज सिलेक्ट की है, जो बहुत ही अच्छी है, समर्स के लिए तो बहुत अच्छी है, वैसे भी अभी दिन में गर्मियाँ काफ़ी रहती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये वाला चंदन लिया है, इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें नर्मदा जल की कुछ बूंदें यहाँ पर मिला लूँगी, और मैं सिर्फ फेस पर ठाकुर जी का चंदन लगाऊँगी। तो मैंने आज हमारा फोकस स्पेशली जो है ठाकुर जी की पत्र रचना श्रृंगार पर है, तो मैं उसकी स्पीड बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं करूँगी। बाकी इसके अलावा जो ठाकुर जी के आईब्रोज हैं, उनके लिप्स हैं, और भी जो इसके अलावा श्रृंगार है, तो उसको हम जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि वो श्रृंगार मैं ऑलरेडी आपके साथ अपलोड करते ही रहती हूँ। तो आज हम स्पेशली ठाकुर जी की पत्र रचना कैसे करते हैं यही देखेंगे। तो देखिए, मैं इस तरह के जो कुमकुम बिंदी वाले बहुत सारे कलर वाली जो आती है मार्केट में वो मैं लूँगी, इस तरह की स्टिक्स का मैं यूज़ करूँगी, ब्रशेस का, और डार्क शेड्स में यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे इन्हेंस होकर दिखते हैं, उभर कर दिखते हैं ठाकुर जी के फेस पर। और चंदन जो है वो एक उसकी बहुत ही अच्छी लेयर बन जाती है, तो उस पर पत्र रचना बहुत सुंदर होती है। तो मैं कुछ इस तरह का भी डिज़ाइन ठाकुर जी के जो है मस्तक पर आईब्रोज के ऊपर उनके ड्रॉ कर रही हूँ। मैं दोनों साइड में साथ ही बनाते चलूँगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम एक साइड का पूरा बना लेते हैं और फिर दूसरे साइड बनाने की जब हम कोशिश करते हैं तो थोड़ा आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाता है, या तो डिज़ाइंस या छोटे या बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा मिसमैच सा लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम साथ ही दोनों साइड जो है ठाकुर जी की पत्र रचना करते हुए चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी ग्रीन कलर के शेड से ये वाली डिज़ाइन ठाकुर जी के बनाई है मधुर बिहारी के, अब मैं उनके लेफ्ट साइड में बना रही हूँ। तो जो ठाकुर जी की सखियाँ हैं वो उन्हें पत्र रचना की सेवा हमेशा देते रहती हैं, जैसे कि हम उन ठाकुर जी के जो पद रस हैं उनमें हम श्रवण करते ही हैं, और ठाकुर जी को पत्र रचना अति प्रिय भी है, और आप करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा ठाकुर जी की पत्र रचना श्रृंगार करके। अब मैंने यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं रेड कलर से डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। तो उसके लिए मैंने जो मेरे पास दूसरी वाली थी कुमकुम बिंदी वो मैं लूँगी, क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा है, डार्क है। तो मैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो डिज़ाइन देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह का बनाना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं कोई भी। और मैंने सोचा है कि एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूँ, उसमें बहुत सारे ठाकुर जी के पत्र रचना वाले डिज़ाइन ड्रॉ करके मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी तो मैं आपके साथ में वो वीडियो जल्दी शेयर करूँगी। और पहले मैंने ठाकुर जी के पत्र रचना श्रृंगार किए हैं, हालांकि तब चैनल नहीं था तो मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की थी,
तो जो भी मेरे साथ हरि भक्त जुड़े हुए थे वो हमेशा कहते थे कि आप किस तरह से करते हो, आप शेयर कीजिए शेयर कीजिए। तो बिहारी जी की अभी इच्छा हुई है तो मैं अब आपके साथ में उसे शेयर कर रही हूँ। और ठाकुर जी की देखिए पत्र रचना करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, थोड़ा समय लगता है, तो आप बिल्कुल जितना समय लगता है उतना समय दीजिए ठाकुर जी की पत्र रचना करने में, क्योंकि थोड़ी सी भी चीज़ें यदि आगे पीछे हो जाती है तो फिर वो शो होती है, तो वो ठीक नहीं लगती। और यदि आप हम समय देंगे तो उतना ही सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, तो हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है ठाकुर जी का पत्रावली बनाने में। और ये वाला जो ब्रश मैं अभी यूज़ कर रही हूँ तो ये एक आईलाइनर का ब्रश है, तो ये इसकी टिप जो है वो बहुत थिन है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा स्पेशली ठाकुर जी की पत्र रचना करने के लिए, तो मैंने इसे इसी पर्पस से रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि इससे जैसे मुझे बहुत छोटे डिज़ाइन यदि ड्रॉ करने होते हैं ठाकुर जी के फेस पर तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ, और ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सारी डिज़ाइंस इससे बनती हैं, जो मुझे छोटी छोटी डिज़ाइंस बनाने होते हैं तो वो क्लियरली और बहुत अच्छे से बन जाती हैं। तो ठाकुर जी की पत्र रचना करने के लिए देखिए अपने बहुत सारे ब्रशेस अवेलेबल होते हैं, तो जो स्पेशली आप जो छोटे टिप के जो ब्रश होते हैं उन्हें लीजिए सॉफ्ट वाले ठाकुर जी के लिए, क्योंकि हमें छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाने होते हैं तो उसी और फिनिशिंग के साथ बनने चाहिए, तो इसीलिए आप जो जिनकी टिप बहुत थिन हो वो वाले ब्रश ठाकुर जी के लिए लेकर आइए। और इसके अलावा जो थोड़े बड़े वाले ब्रश होते हैं तो वो आप ठाकुर जी को चंदन लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। अब इसके बाद मैंने एक डार्क ब्लू जो जिसमें थोड़ा पर्पल का टिंट है वो उस वाले से डिज़ाइन ड्रॉ करके, और अब मैं फिर से ग्रीन कलर का शेड मैंने पिक किया है और उससे अब मैं फिर से ये वाला डिज़ाइन ठाकुर जी के बना रही हूँ। और जब हम ठाकुर जी का मन से दिल से श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के फेस पर भी बहुत प्यारी सी स्माइल होती है, वो भी बहुत आनंद के साथ अपना श्रृंगार करवाते हैं। आप मधुर बिहारी जी की स्माइल उनके फेस की चमक देख ही सकते हैं, और मुझे तो बहुत पसंद है ठाकुर जी की पत्र रचना करना। और यदि आपके पास ब्रशेस अवेलेबल नहीं हैं तो आप टूथपिक की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन जो टूथपिक की जो एजेस हैं वो बहुत शार्प होती है, तो मुझे डर रहता है इसीलिए मैं टूथपिक का यूज़ नहीं करती हूँ। ब्रशेस के जो बिसल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो उससे हमें कोई डर भी नहीं रहता ठाकुर जी के श्रृंगार करने के लिए। तो मैं तो ब्रशेस का ही आपको सजेशन दूंगी कि आप ब्रश का यूज़ करें ठाकुर जी की जो है पत्र रचना उनका गोपी डॉट्स बनाने के लिए, तो और ये ज़्यादा कोई कॉस्टली भी नहीं पड़ेंगे आपको जो ब्रश हैं ठाकुर जी के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ब्रश का यूज़ करें, और जिस तरह की स्टिक्स मैंने दिखाई हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर यदि आप टूथपिक ही यूज़ करना चाहते हैं तो जो उनकी एजेस हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए जिससे वो शार्प ना रहें सामने से, तो आप फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। और ठाकुर जी के जो गोपी डॉट्स के डिज़ाइंस हैं पत्र रचना के डिज़ाइन हैं, यदि आपको डायरेक्टली बनाने में यदि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कहीं बिगड़ ना जाए इस तरह, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पेंसिल की हेल्प से पेपर पर पहले आप डिज़ाइंस ड्रॉ कर लीजिए जो आप ठाकुर जी के श्रीमुख पर बनाना चाहते हैं, तो इससे आपको आगे आगे क्या होगा कि आइडिया रहेगा कि हमें अब आगे कौन सी डिज़ाइन किस तरह से बनानी है। तो मैं तो जो है डायरेक्टली ही बनाती हूँ ठाकुर जी के पत्र रचना श्रृंगार में जो भी डिज़ाइंस मुझे बनाने होते हैं। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पहले से ड्रॉ कर लीजिए, तो आगे आगे आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि हमें अब आगे इस तरह से करते जाना है, और दोनों साइड आप एक साथ करते चलिए तो जो वो तरीका है वो मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि उससे फिर कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होती और दोनों साइड हमारा सिमिलर डिज़ाइन ड्रॉ होते जाता है। और डिज़ाइन का ऐसा है कि आप जितना बनाते जाएंगे आपको आगे आगे ऐसा लगता जाएगा कि हाँ यहाँ हम थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, यहाँ हम थोड़ी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो ये एक आपको अंदर से ही ऐसा कह लीजिए कि ठाकुर जी खुद ही प्रेरणा आपको देते जाएंगे कि अब वो इस तरह से चाहते हैं श्रृंगार, अब वो यहाँ पर इस तरह बनवाना चाहते हैं। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर आगे देखना आप खुद ही बार बार ठाकुर जी का इस तरह से श्रृंगार करेंगे। अब मैंने यहाँ पर
डार्क पर्पल शेड लिया है और उससे मैं यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और पहले से कुछ भी सोचा हुआ नहीं होता है कि किस तरह का डिज़ाइन मुझे बनाना है ठाकुर जी के। जैसे ठाकुर जी प्रेरणा मधुर बिहारी जी करते जाते हैं, जिस तरह की उन्हें पत्र रचना करवानी होती है, तो वो उसी तरह का जो भी है कहिए कि मन में भाव प्रभु स्वयं देते जाते हैं आपको। तो ये अनुभूति की बात है, आप जब स्वयं करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि किस तरह से प्रभु अपना श्रृंगार करवाते हैं। तो अभी देखिए हमारे ठाकुर जी की पत्र रचना इतनी हो चुकी है और कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे प्रभु। इसके बाद में कुछ इस तरह का एक डिज़ाइन मेरे हृदय में आया है, तो मैं इस तरह का एक डिज़ाइन ड्रॉ करने का सोच रही हूँ। और इस वीडियो में हम सिर्फ प्रभु की पत्र रचना ही देखेंगे मेनली, इसके बाद जो उनका पूरा श्रृंगार होगा उसके लिए मैं इसका जो पार्ट टू है वो अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि सिर्फ पत्र रचना और मैंने वीडियो की स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है। तो वीडियो ऑलरेडी 20-23 मिनट अराउंड हो गई है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस तरह से। तो मैंने इसका एक पार्ट टू सेपरेट अलग कर दिया है, वो मैं आपके साथ में जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा कि किस पत्र रचना के बाद प्यारे प्रभु का पूरा श्रृंगार हुआ है। इसके बाद मैं रेड कलर यहाँ पर पिक कर रही हूँ और उससे मैं कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। देखिए यहाँ पर मैं इस तरह की स्टिक, जो अगरबत्ती स्टिक होती हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो एज है उसको हल्का सा आप शार्प कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, तो वो भी आपको काम दे जाएंगी। लेकिन जो ब्रशेस होते हैं उनसे थोड़ा सा इजी होता है डिज़ाइन ड्रॉ करना, और जो थोड़े से थिक वाले डिज़ाइन आपको ड्रॉ करने होते हैं तो उसके लिए इस तरह के स्टिक बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस तरह की डिज़ाइन के लिए आप टूथपिक का भी यूज़ आप कर सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं इनमें जो है वाटर मिक्स नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल मिनिमल सा मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यदि इसमें ज़्यादा पानी मिला देंगे तो क्या होगा कि चंदन के साथ में वो कलर फेड होने लगेगा, तो इससे हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर वाटर का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है बिल्कुल भी। यदि आपका जो कलर है वो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा थिक है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा, कुछ एक ड्रॉप से भी कम मिलाकर उसे थोड़ा सा अपने कलर की कंसिस्टेंसी को थोड़े लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा पानी ना मिलाए ऐसी कोशिश कीजिएगा, वरना ये चंदन के साथ सारा कलर आपका फैल जाएगा और सारा श्रृंगार ठाकुर जी का ख़राब हो सकता है। तो ये एक टिप थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। और देखिए मैंने ठाकुर जी के राइट साइड में डिज़ाइन ड्रॉ कर दी है, अब मैं ठाकुर जी के लेफ्ट साइड में डिज़ाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। तो बस मैं दोनों साइड देखते जाती हूँ कि ठीक ठीक ठाकुर जी का श्रृंगार बराबर दोनों साइड हो रहा है या नहीं। अब मैंने ऑरेंज कलर से इस तरह का कुछ डिज़ाइन, इसे अंदर से रेड वाले डिज़ाइन को फिल करते हुए कुछ इस तरह से बनाया है। और अब इसके बाद में यहाँ पर इसके आगे डिज़ाइन बनाऊंगी। तो जो गोपी डॉट्स हैं ठाकुर जी की, जो पत्रावली है, वो आप चाहें तो जो आईब्रोज के एंड होते हैं वहाँ तक भी बना सकते हैं, लेकिन और जो ठाकुर जी के चीक्स हैं तो वहाँ तक भी बना सकते हैं। तो मुझे जो ठाकुर जी के कपोल हैं, श्री कपोल ठाकुर जी के गाल यानी उनके चीक्स, मुझे वहाँ तक बनाना बहुत सुंदर लगता है। तो मैं पूरा नीचे तक बनाती हूँ जो ठाकुर जी की पत्र रचना का श्रृंगार है, तो मैं ये डिज़ाइन पूरे नीचे तक बनाती हूँ ठाकुर जी के, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो ये आपका भाव है, आपके हृदय है, आपके ठाकुर जी की इच्छा है कि वो आपसे कहाँ तक बनवाना चाहते हैं, तो आप वहाँ तक बनाइए। और आप एक बारी मेरे कहने पर तो ये श्रृंगार ठाकुर जी का ज़रूर ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आप इस तरह से ठाकुर जी का पत्र रचना गोपी डॉट्स वाला श्रृंगार कर रहे हैं तो आप मेरे साथ में उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा उनके दर्शन। आप या तो इंस्टाग्राम के थ्रू अपने ठाकुर जी के दर्शन मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, या FB के थ्रू आप मेरे साथ में उनके दर्शन शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको दोनों की ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। आपके ठाकुर जी के दर्शन करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी।
इसके बाद देखिए, अब मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ से ठाकुर जी के कपूल से उनकी जो आई का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक मैं इस तरह से डॉट डॉट करके, तो यहाँ पर डॉट डॉट का डिज़ाइन देने के लिए मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर का शेड पिक किया है और बस मैं यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन देकर एंड करूँगी। लेकिन इसके बाद भी देखिए, जब आप खुद से श्रृंगार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ अभी यहाँ हम कुछ कर सकते हैं, अभी यहाँ इस तरह का डिज़ाइन बन सकता है, अभी हम ठाकुर जी के श्रृंगार को यहाँ इस तरह से और सुंदर सजा सकते हैं। तो बस वही भाव भी मेरे मन में भी चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कलर मेरे से एक्स्ट्रा यहाँ पर लग गया था तो मैं उसे चंदन लेकर के इस स्टिक में और उसे मैं यहाँ पर कवर कर दूँगी। इस तरह से यदि आपसे भी कुछ गलती हो जाए या बाय मिस्टेक थोड़ा सा कलर यदि फैल जाए तो आप एक स्टिक में या ब्रश में थोड़ा सा चंदन लेकर और उसे कवर कर सकते हैं इजीली। तो अब यहाँ पर देखिए, मुझे कुछ और लग रहा है कि मुझे इधर साइड यहाँ पर कुछ और डिज़ाइन बनाना चाहिए। अभी तो पहले मैं जो ठाकुर जी का लेफ़्ट साइड है उसे कंप्लीट करूँगी, जैसे हमने राइट साइड में डिज़ाइन पूरा किया है। इसके बाद हम जैसे आपको आगे आप देखेंगे तो आपको खुद से लगेगा कि हम यहाँ पर अभी कुछ ऐसा ऐसा और बना सकते हैं। तो अब इस तरह का डिज़ाइन ही मैं ठाकुर जी के लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो हमें जल्दबाजी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं भी बिल्कुल आराम से ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ और ठाकुर जी की पत्र रचना श्रृंगार करने के लिए 2 से 3 ब्रशेस छोटे वाले तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि हम 2-3 कलर या डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं तो उसके लिए अलग अलग ब्रश हों। वैसे हम वाटर से धो करके और फिर यूज़ कर भी सकते हैं और वैसे मैं करती भी हूँ, साइड में मैंने पानी का बॉल रखा हुआ है, लेकिन फिर भी 2 से 3 ब्रशेस तो हमारे पास होने ही चाहिए ताकि हम एक ही ब्रश को बार बार अलग अलग बार बार धोकर हमें यूज़ ना करना पड़े। तो इस तरह से तो आप भी कोशिश कीजिए कि 2 से 3 ब्रशेस आपके पास हों ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए और बहुत ही प्रेम के साथ आप ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर बहुत खुश होंगे। और इसके अलावा भी जैसे आप ठाकुर जी का, अपने गोपाल जी का, अपने किशोरी जी का जो भी श्रृंगार करते हैं तो आप मेरे साथ में उसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी इसके अलावा बताइए, आपको ठाकुर जी के श्रृंगार में श्री मुख पर कुछ कमी लग रही है? सोचिए। हाँ, ठाकुर जी को अभी मैंने काजल नहीं लगाया हुआ है, ये सबसे बड़ी मुझे कमी अभी दिख रही है। लेकिन मैं अभी या तो बीच में या एंड में ठाकुर जी को काजल लगाऊंगी, क्योंकि काजल बिना तो हमारे प्यारे का श्रृंगार कैसे पूरा होगा कहो। काजल तो हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है और बड़े बड़े नेत्र ठाकुर जी के जो कमल नयन की तरह हैं, तो हम अभी काजल लगा के प्रभु का श्रृंगार जो है पूरा करेंगे। और मधुर को तो काजल लगाना वैसे भी बहुत पसंद है, मधुर को, लाल जू को और हमारी श्री प्रिया जू को काजल लगवाना बहुत पसंद है। तो मैं अभी ये वाला डिज़ाइन ड्रॉ करके और फिर मधुर को काजल लगाऊंगी। काजल के बाद ही तो ठाकुर जी के श्रीमुख की छटा और भी दमकती है, बहुत सुंदर लगते हैं हमारे प्यारे प्रभु। अभी देखिए, मैं दोनों साइड चेक भी करते जा रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर लग गया है तो मैं उसे चंदन से फिर से कवर कर रही हूँ। इसके बाद अभी मैं ठाकुर जी को काजल लगाऊंगी मधुर को। इसके बाद मैं देखते जा रही हूँ कि दोनों साइड बराबर हुआ है या नहीं, और मुझे ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत प्यारा लग रहा है।
तो ऐसे मैं मधुर को भी बताते जाती हूँ कि आपका श्रृंगार बहुत सुंदर लग रहा है, इसके बाद देखिए अब मैं उन्हें काजल लगाऊंगी। फिर इसके बाद देखने पर हमें लगता है कि अरे हाँ, यहाँ हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, ये डिज़ाइन और बना सकते हैं, तो उस तरह से फिर मैं बनाते भी जाऊँगी ठाकुर जी को वो डिज़ाइन। अभी पहले हम प्यारे को काजल की सेवा दे दें, अच्छी सुंदर सुंदर कोरे निकाल दें उनकी, बड़े बड़े नेत्र ठाकुर जी के लगेंगे हमारे इस तरह से। और मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, जो मधुर का चेहरा है, मधुर जी का श्रीमुख है, देखिए हमारे मधुर की जो स्माइल है वही सब कह रही है, मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है, मैं यहाँ ये वाला डिज़ाइन कुछ जो भी आ रहा है मेरे मन में, ठाकुर जी जो भी भाव दे रहे हैं, तो मैं उस तरह से बनाते जा रही हूँ। तो इसका पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है कि इसी तरह के डिज़ाइन या कुछ इसके पर्टिकुलर डिज़ाइन होते होंगे वही बनाना है, बिल्कुल नहीं। आपके मन में जो जैसी श्रद्धा से प्रेम से जो भी डिज़ाइन आपके मन में आते हैं, आप प्यारे प्रभु को वो बनाइए पत्र रचना श्रृंगार में, तो देखिए बहुत खुश होंगे वो, तो वैसे भी आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न होंगे ही, लेकिन आप इस तरह से भी श्रृंगार कीजिए ठाकुर जी का, बदल बदल के श्रृंगार कीजिए, तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा। और यदि आपको ठाकुर जी का, मेरे मधुर बिहारी जी का ये पत्र रचना श्रृंगार पसंद आया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारी प्रियालाल फैमिली का मेंबर नहीं बने हैं, आप यदि हमारे प्रियालाल परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्रियालाल परिवार से जुड़ जाइए और बन जाइए एक प्यारा सा सदस्य हमारे श्री प्रियालाल परिवार का। और अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी जो है ठाकुर जी के भक्त हमारे परिवार से जुड़ सके और हमारा प्रियालाल परिवार और बड़ा होता जाए। तो अभी इस तरह से मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन और बना रही हूँ ठाकुर जी का डार्क पर्पल शेड से। तो देखिए, मैंने इसे बताया था कि मैं ये वाला ब्रश जो है पर्टिकुलर छोटे छोटे से डिज़ाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से अपना वर्क करता है। और अब हमारे मधुर का जो है पत्र रचना श्रृंगार पूरा हो चुका है, आप दर्शन कर सकते हैं। मधुर का श्रृंगार आपको कैसा लगा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर 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 बताइएगा। बिल्कुल याद से मैंने बहुत हृदय से प्यारे प्रभु का ये श्रृंगार किया हुआ है। और इसके बाद हम श्रृंगार को कंप्लीट करेंगे, ठाकुर जी को ज्वेलरी धारण करा के, उनकी पग, उनके केश उन्हें धारण करा के। तो इसके लिए मैं, अब देखिए ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसका पार्ट टू मैं शेयर करूँगी। तो ठाकुर जी का पूरा स्वरूप, उनके पूरे सुंदर से मधुर से स्वरूप के दर्शन के लिए आपको पार्ट टू ज़रूर से वॉच करना है, ठीक है। तो बस यही थी प्यारे प्रभु की आज पत्र रचना श्रृंगार से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हमने मधुर बिहारी जी का गोपी डॉट्स वाला यानी पत्रावली वाला श्रृंगार किया। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। साथ ही हमारे प्रियालाल परिवार से जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, हाँ जी, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी तो आपको प्यारे प्रभु के सुंदर सुंदर श्रृंगार वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसी वीडियो का पार्ट टू लेकर बहुत जल्दी, तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।